जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती का जो सातवां चरण की परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट भी जारी हो चुका था और काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, अब उसका ऑफिशियल जो कट ऑफ था वो जारी हो चुका है। क्रमवार विषयवार हुआ है और किस वर्ग में कितने अभ्यर्थी हुए हैं उनका भी एक पूरा कंप्लीट जारी हुआ है। तो हम लोग देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ, ताकि इससे एक बात तो क्लियर हो जाए कि आने वाले भर्ती में अभी तक आपको कितने अंक लेकर आना है। क्योंकि पिछले बार का जो पेपर था वो उसका जो कठिनाई स्तर था वो थोड़ा ज़्यादा था। बीपीएससी पहले तो पेपर ही कठिन स्तर बढ़ाया, नेगेटिव मार्किंग को हटाया, उससे लगा कि बच्चे पास नहीं कर पाएंगे। फिर उसने जो कट ऑफ पासिंग मार्क था उसको भी उसने नीचे किया। अब ये देखते हैं कि किस ना किस विषय के कितने कट ऑफ गए। इसमें प्राइमरी टीजीटी माने माध्यमिक उच्च माध्यमिक तीनों के कट ऑफ वर्गवार और विषयवार जारी हुए हैं। क्रमवार रूप से हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करेगा जिन्होंने बीपीएससी 2023 का फॉर्म भरा था और इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का है और ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो आयोग की वेबसाइट पर आया है। यहाँ पर आप एकदम देख पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्कूल टीचर रिटर्न जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एग्जाम था और 26/23 का, ये कट ऑफ जो है ये पहले 1 से 5 तक के लिए देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले पीआरटी का सबके मन में था यार पीआरटी कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने नंबर के हिसाब से उन्हें देखना था यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, किसका हो गया। तो एकदम ऑफिशियल कट ऑफ आ चुकी है। जनरल अगर हम बात करें तो 67 नंबर, ध्यान दीजिएगा। जनरल पहले ऊपर देखिए फीमेल है, नीचे देखिए बंगला उर्दू सबका एक क्रमवार उसे दिया है, मेल फीमेल सबका करके दिया गया। ऊपर देखिए फीमेल कैंडिडेट भी चल रहे हैं, जहाँ पे यूआर है जहाँ पे फीमेल नहीं लिखा गया, इसका मतलब समझिएगा वो मेल के लिए है। यहाँ पे देखिए 67 जनरल में, यहाँ पे 67 माने जो पुरुष जनरल में फाइट किए हैं उनको 67 अंक अगर है या उसके अधिक है वो बिहार में सरकारी शिक्षक बन पाए हैं। वहीं महिला यूआर की बात करें तो 57, बाकी ये सारे जो थे बिहार के राज्य के अंदर के अभ्यर्थियों के लिए है। जहां पर ईडब्ल्यूएस का 56 है, ये बिहार के अंदर के होंगे। ईडब्ल्यूएस महिला 48 पर हुआ है, ईबीसी 55 पर, महिला ईबीसी 44 पर, बीसी 60 पर, महिला बीसी 50 पर, एससी 47 पर, महिला एससी 39 पर, एसटी 46 पर, एसटी महिला 39 पर, बीसीएल 48 पर। तो यहां पर जो प्रमुख रूप से बिहार के अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उनका जो कट ऑफ था वो एकदम साफ है, पुरुष के लिए 67 था, महिला के लिए 57। इतना या इसके ज्यादा जिसका था उसका सिलेक्शन इस भर्ती में हो चुका है। और उर्दू के लिए देखा जाए तो 54 अदर स्टेट, महिला के लिए अदर स्टेट 40, मतलब उर्दू की महिला अगर कोई 40 अंक भी अर्जित कर ली थी, 120, ये पूरा जो पेपर 120 अंकों का था ना, 120 अंक के पूरे पेपर की बात हो रही, 120 में जो कट ऑफ गया है। वहीं बंगला के यूआर 62 है, रिवर फीमेल की बात करें तो 47 है, बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब हम देखते हैं 9-10 के लिए कट ऑफ, तो एकदम जनरल जो सामान्य कट ऑफ तो एकदम क्लियर हो चुका है कि जिनके 57 अंक महिला के ज्यादा थे वो महिला शिक्षिका बनी है बिहार से, बिहार में जाकर। और युवा पुरुष की अगर हम बात करें तो 67 अंक से जितना अदर स्टेट के अभ्यर्थी थे उनका हो चुका है। अब आप बताइएगा आपके कितने अंक थे, आपका सिलेक्शन क्यों हो पाया नहीं हो पाया। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ 9-10 के लिए, जहां पे हमारे मन में जैसे ही 9-10 आता है वैसे हमारे मन में आ जाता है यार ये सब टीजीटी की बात हो रही है। जी हाँ, अब क्योंकि देखिए नई टीजीटी की भर्ती भी आ गई है और इसमें बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाते हैं, विषयवार कट ऑफ है। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में टीजीटी का फॉर्म भरने जाए तो ये कट ऑफ आपके बड़ा काम आने वाला है। इसलिए इस कट ऑफ के माध्यम से ये मान लीजिए इस बार हो सकती है भीड़ बढ़ जाए तो हो सकता है 2-3 अंक ऊपर जाए, और अगर पेपर कठिनाई बढ़ गई तो कम हो जाएगा। वैसे कठिनाई स्तर अब कम होने वाली है क्योंकि ये बात बीपीएससी भी मान रही है कि पेपर कठिनाई स्तर ज्यादा हो गई थी। हाँ, और यहाँ पर हम देखेंगे भाषा वर्ग, देखेंगे जो भाषा हमारे आपके काम की है। देखिए पहले यूआर देखेंगे अदर स्टेट का, जो अदर स्टेट का व्यक्ति 120 थे, भी पेपर पूरा 120 अंक का था, 120 अंक का था, तो ये कट ऑफ 120 अंकों का है। इसमें हिंदी में 55 पुरुष अदर स्टेट है, ये अदर स्टेट की मैं बात करूँ, यहाँ पे महिला एन ए का मतलब देखिए अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, अभी नीचे इसके बारे में जिक्र किया गया है। बंगाली में अदर स्टेट 52 है, उर्दू में 58 है, संस्कृत में देखा जाए तो 67, जो हमें अपने काम का विषय है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वैसे बाकी पूरी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा दुर्गेश्वर, पूरा आपको कम्प्लीटली एक ही जगह मिल जाएगा। दुर्गेश्वर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां से आपको कम्प्लीटली पूरा एक ही जगह मिल जाएगा। अरबी 47 है, फारसी 50 है, इंग्लिश 59, इंग्लिश भी आपके काम का, मतलब 120 में जिसके 59 पुरुष और महिला के 49, माने महिला के अगर 49 अंक थे इंग्लिश में बिहार में तो वहां पर टीजीटी में सेलेक्ट हो गई है। और साइंस में 50, बहुत ही मतलब 50 नंबर जिनके साइंस में थे 120 में अदर स्टेट के, वो बिहार में टीजीटी में उनका सिलेक्शन हो गया। मैथमेटिक्स की बात करें अगर यहाँ पर तो 72 इस पर सबसे ज्यादा, सोशल साइंस का गया 74, सोशल के 74, महिला का 67 है,
और पुरुष मैथमेटिक्स 72, महिला का कम गया है 51 गया है। तो बाकी के लिए भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, बाकी कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है जो बीपीएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा आपके सभी मित्रों तक। तो एक आइडिया रफली मिल गया कि अगर आप हिंदी से देने जा रहे हैं, संस्कृत से, इंग्लिश से, मैथमेटिक्स से, साइंस से, सोशल साइंस से, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि आपको कितने अंक लेकर आने हैं। यहाँ पे देखिए जो पूरा फोकस है पूरा एनसीईआरटी का है, यहाँ पर जो पूरा फोकस रहेगा यहाँ पर एनसीईआरटी का रहेगा, इसलिए एनसीईआरटी के नोट्स आप पढ़ लीजिएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर उपलब्ध है। अभी 11-12 की तरफ चले, 11-12 की जैसे मन में बात आता है, आपके मन में आता है सर ये तो पीजीटी की बात कर रहा है, हम यहाँ पे बात करेंगे कट ऑफ जो है यहाँ पे 11-12 का, मतलब यहाँ पर हम पीजीटी की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। देखिए यह अभी पूरा एकदम कम्प्लीटली दिया गया है। और हिंदी की बात करें 39, मतलब सोचिए यहाँ पर 120 अंक का पेपर था। यूआर माने जनरल में हो या अदर स्टेट हो, यूँ कह सकते हैं यूआर का मतलब यहाँ पे जनरल है या अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी जनरल में काउंट हुए हैं, तो यहाँ पर 39 नंबर माने 120 में, यहाँ भी पेपर जो था 120 अंक का था, 120 में अदर स्टेट का अगर हिंदी में 39 मार्क्स, उसके तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, वो बिहार में पीजीटी में उसका सिलेक्शन हुआ है। अब आप समझ लीजिए आप अगर हिंदी से देने जा रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़िया है, मानी सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया आपके लिए है, महिला के लिए नहीं है, उर्दू 42 है, इंग्लिश के लिए 61 है, देखिए इंग्लिश के लिए यहाँ पर 61 है, इंग्लिश अगर जिसने 61 किया था। अब बात करते हैं संस्कृत की, मैंने जिनके 41% संस्कृत से रही थे वो बिहार में जनरल में सरकारी शिक्षक मतलब पीजीटी पे सेलेक्ट हुए हैं, वहीं बंगाली में 66 है, मैथिली 39 है, अरबी 99, फारसी 53, पाली 57 है, प्राकृत जो है 39 है, मैथमेटिक्स में 53 है, मैथमेटिक्स में 53 कट ऑफ गया है पुरुष जनरल, और महिला जनरल का 39 गया है, वही फिजिक्स की 39 गई है। फिजिक्स में जिन्होंने 39 नंबर इनके सही थे वो वहां पे सरकारी अध्यापक बने हैं और अध्यापक भी इनने, इनका भी कट ऑफ नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पूरी कट ऑफ की लिस्ट है अभी पूरा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है आपके काम है, बाकी इसकी टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी बीपीएससी के यहाँ पर अब देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आगे भी अभी सब्जेक्ट है आपके, केमिस्ट्री की देखेंगे तो 39 है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 39 है, इकोनॉमिक्स के 44 है, महिला 41 है, ज्योग्राफी 40 गई है, ज्योग्राफी कितना छोटा कट ऑफ किया 40 अंक खाली गया है, साइकोलॉजी 39 है, सोशियोलॉजी का 39 है, फिलोसफी का 39 है, पॉलिटिकल साइंस का 39, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब 39 आया है, ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री भी 39 है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एकदम कितना कम कट ऑफ गया, होम साइंस का 40, मतलब जो भी 40 अंक जनरल में पाया है साइंस सोशल होम साइंस में वो आप पीजीटी में सेलेक्ट हुआ है। आगे बॉटनी में 39 है, जूलॉजी में 57 है, अकाउंटेंसी में 65 है, बिजनेस स्टडी में 61 है, एंटरप्रेन्योरशिप में 40 है, और कंप्यूटर साइंस में 63 है, महिला के लिए 52 है, तो जूलॉजी में महिला के लिए 50 थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिला के लिए भी देख सकते हैं, यूआर का मतलब ये जनरल है और ये अदर स्टेट में भी हो सकते हैं जो दिए थे या तो बिहार के जो थे उनके लिए है, हो सकता है मेरिट थोड़ी बहुत 2-4-5 आगे जाए। यहाँ पे भोजपुरी है, म्यूजिक है, हिस्ट्री के देखिए 70 कट ऑफ गई है पुरुष और महिला 39 गई है, महिला केवल 39 अंक जिनको मिल गए वो हिस्ट्री में वहाँ पे शिक्षिका बन गई पीजीटी के थ्रू, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। और एनए का मतलब है उपलब्ध नहीं, वैसे जिनके लिखित परीक्षा अपने आचरण कोटे में कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थी परीक्षा सूची में अंकित नहीं, जिनका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहली उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को यह वरीयता देगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात, देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटे कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, मैंने कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ फिर भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची में अंकित नहीं है, इनका कारण यह है कि लिखित परीक्षा जो एमसीक्यू थी कुल अंक प्राप्तांक समान, जैसे उन्होंने 57 प्राप्त किया दूसरे ने भी 57 प्राप्त किया, तो पहले उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में जैसे उम्र में देखा गया जो उम्र में बड़ा था उसको पहले दिया गया, या देवनागरी लिपि वर्णमाला के अनुसार जो पहले उम्मीदवार आए थे उनको पहले वरीयता दी गई अंकों के समान होने की स्थिति में, इसलिए जिनके कट ऑफ के अंक उनका सफल नहीं हुए घबराए, उनका कारण यह था। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटे में कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हुआ उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज प्रमाण पत्र का सत्यापन डीबी में विसंगति आयोग के पास जाने पर भाषा विषय में अर्थांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए गए। कुछ ऐसे भी हैं जो डीबी भी उनका गड़बड़ हुआ था और उनको भी सफल नहीं, वो पास है लेकिन नहीं है, या जो भाषा में पास नहीं उनको भी नहीं किया गया। तो इस प्रकार जो अभ्यर्थी ये कह रहे थे कि उनका सिलेक्शन नहीं, उनका नंबर ज्यादा थे तो
उनके भी कारण बीपीएससी ने एकदम साफ साफ एकदम स्पष्ट कर दिया। और आपको भी इसके डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही अहम होगी, इसलिए एनसीईआरटी की नोट्स अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज के लिए पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की नोट्स आपके लिए बहुत अहम है। एनसीईआरटी की क्लास या नोट्स आप पढ़ सकते हैं और इलनी विद दरगेस पर भी नोट्स उपलब्ध है। इस पर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलनी विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है और उम्मीद करते हैं सारी सेशन है सारी क्लासेज आपके काम में आने वाली है। इस वीडियो को सभी मित्रों को शेयर और साझा करिएगा। कोई आपका सुझाव हो कोई आपके सवाल हो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इस भर्ती के साथ साथ अगली भर्ती के लिए कितना हद तक तैयार है कमेंट करें जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाओ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा पेज को। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो इलनी विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं। एज ए गेस्ट ग्रुप में इलनी विद दुर्गेश पर आकर हम आपको आपकी अपनी जहाँ तक ज्ञान होता है आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। वैसे उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ये पूरी थी कहानी कटाफ की और उम्मीद करते हैं आप जो सफल लोग हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन वो आगे की तैयारी भी जारी रखें। और जो अभी सफल नहीं हो पाए कुछ अंक से रुक गया है वो अगली भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि फिर से कहा गया 1,20,000 पदों पर फिर से हो सकते हैं बिहार शिक्षक भर्ती में एक बड़ी भर्ती परीक्षा। तो आपके लिए बढ़िया सौगात एक बढ़िया मौका है। कट ऑफ एक आपको दायरा बता रहा है कि हाँ कितने अंक तक आप सफल हो सकते हैं, कितने अंक एक ओवर 120 अंक में आपको लाना था। तो कहीं ना कहीं जो पेपर सामान्य विषय है 40 नंबर का जो सबके लिए होता है कॉमन और आपके लिए विषय दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों मान के चलिए कि 75 नंबर इन ईयर बोर्ड अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप यूआर में मतलब जनरल में वहां पे सेलेक्ट हो जाएंगे आने वाली भर्तियों में, इतना मानकर चलिएगा। फिलहाल आपको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इसके बाद एक और वीडियो आपको पड़ जाएगी जहां पर हम टीजीटी पीजीटी को पूरा क्रमबद्ध एक बड़ा वीडियो बना के रख रहे हैं। सब्जेक्ट कैसे चुनाव करना है, कितने कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, उसमें सारी पैटर्न क्या है, अदर स्टेट के लिए क्या है, सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को इसकी वीडियो के बाद वो अपलोड हो जाएगी, उसे भी आप उसे देख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट भी वहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू आप सभी का। बाय बाय। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सभी का। थैंक यू। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर है और एनसीईआरटी के सभी नोट्स इलनी विद दुर्गेश ऐप पर, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप।